भू रिमोट सेंसिंग। पृथ्वी एक समृद्ध ग्रह है जिसमें कई अलग अलग वातावरण, पदार्थ और जीवित जीव हैं, और इस सब के बीच में हम मनुष्य क्या हमारे चारों ओर है बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। भूमि, महासागरों, वायुमंडल और आयन मंडल, हिममंडल, उपसतह, वहाँ पता करने के लिए बहुत कुछ है। यही कारण है कि रिमोट सेंसर्स बहुत उपयोगी उपकरण हैं, जो हमें अपने पर्यावरण के विभिन्न स्तरों का पता लगाने में मदद करते हैं। कुछ हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने सुंदर घर को संरक्षित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह वह है जहां हम होमोनिड से विकसित होते हैं, बड़े समुदायों में रहते हैं और इसे अपने उद्देश्यों से बदलना सीखते हैं। इसलिए हमारे भविष्य की योजना बनाने के लिए भूमि की सतह के अतीत और वर्तमान परिवर्तनों और उसके प्रभाव को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट सेंसर्स स्थानीय और वैश्विक पैमानों पर उपयोगी जानकारी देने वाली भूमि पर रिमोट सेंस डेटा के लिए निरंतर और आसान पहुँच प्रदान करते हैं। वैश्विक परिवर्तन एक एकता के रूप में पृथ्वी की निगरानी की आवश्यकता को दर्शाता है। रिमोट सेंसिंग अवलोकनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे हमारे स्थलीय प्रणाली वैश्विक परिवर्तनों पर योगदान और प्रतिक्रिया दोनों देते हैं। यहाँ तक कि दूर दराज के क्षेत्रों के लिए जो किसी अन्य माध्यम से उपयोग करना मुश्किल है, रिमोट सेंसर्स के साथ भूमि का अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि प्रकाशीय छवि। प्रकाशीय सेंसर्स मिट्टी की सतह और वनस्पति को चिन्हित करने के लिए परावर्तित सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। ये सेंसर्स मिट्टी को देखते समय मानव आंख को उद्दीप्त कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ निकट अवरक्त, मध्य अवरक्त या ध्रुवीकृत प्रकाश को भी माप सकते हैं। विभिन्न आवश्यक मिट्टी और वनस्पति गुणों को माप कर हम अपने कृषि और वन प्रबंधन में सुधार कर सकते हैं, खनिज पा सकते हैं, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तन का विश्लेषण कर सकते हैं और बाढ़ और सूखे का अध्ययन कर सकते हैं। बहुवर्णक्रमी छवि। एक बहुवर्णक्रमी छवि में वस्तु पर देखना या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न आवृत्तियों पर रुचि का क्षेत्र शामिल होता है। उदाहरण के लिए केवल सतह की लाल, नीला और हरा को पकड़ना। दृश्यात्मक प्रदर्शन के लिए छवि के प्रत्येक बैंड को स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। अक्सर एक ग्रे स्केल छवि के रूप में या एक रंग मिश्रित छवि के रूप में एक समय में तीन बैंड के संयोजन में यदि हम स्पेक्ट्रम के अन्य आवृत्ति बैंडों से डेटा प्राप्त करते हैं तो हम अन्य प्रकार की छवियां प्राप्त करेंगे, जैसे कि निकट अवरक्त में हम उन्हें गलत रंग छवियां कहेंगे। इन विभिन्न छवियों की व्याख्या हमें मिट्टी, वनस्पति और पौधों की प्रजातियों, शहरी विशेषताओं, बर्फ, बादल से ढके क्षेत्रों, जंगल की आग, खनिज आदि में भेदभाव करने में मदद कर सकती है। रडार स्कैटरिंग और ध्रुवमिति। सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग में किसी विशेष क्षेत्र या वस्तु से बैक स्कैटरिंग या लौटाया गया संकेत कई व्यक्तिगत बिखरने वाले संकेतों का सुसंगत योग है। यह असत्य बनाता है कि वन हमें पेड़ों को देखने नहीं देता, क्योंकि वन मानचित्र और निरीक्षण में उदाहरण के लिए हम व्यक्तिगत पेड़ों और यहाँ तक कि उनके अलग अलग हिस्सों को देख सकते हैं। रूप और ध्रुवीकरण बिखरने से प्रेरित परिवर्तन द्वारा वनस्पति और मिट्टी के गुणों की सार्थक जानकारी निकाल कर। सूक्ष्म तरंग रेडियोमेट्री। सूक्ष्म तरंग रेडियोमीटर्स 1 से 200 हर्ट्ज तक आवृत्ति रेंज में 0 केल्विन से अधिक तापमान पर वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करते हैं। भूमि के ऊपर विकिरण वनस्पति बायोमास के प्रति संवेदनशील है। सतह के तापमान भूमि के ऊपर बारिश, बर्फ और मिट्टी की नमी के प्रति संवेदनशील है, जो भूमि की सतह, वायुमंडल, अंतराफलक में पानी और ऊर्जा के आदान प्रदान का वर्णन करने के लिए आवश्यक एक प्रमुख पर्यावरणीय चर है। भू रिमोट सेंसर्स न केवल अंतरिक्ष यान पर बल्कि जमीन में और उड़ने वाले वाहनों पर जैसे गुब्बारे, हेलीकॉप्टर और विमानों में भी लगे होते हैं। इस तरह से उदाहरण के लिए हम अपने शहरों के सटीक त्रिआयामी नक्शे बना सकते हैं।